सो हे गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल ड्यू मैथ और इस वीडियो में हम क्लास सेवंथ का चैप्टर टू विच इज फ्रैक्शन उसकी एक्सरसाइज टू पॉइंट सिक्स का क्वेश्चन नंबर टू सॉल्व करने वाले हैं इससे पहले के सारे क्वेश्चन और इंट्रोडक्शन ऑलरेडी चैनल पर आ चुके हैं अगर आपने नहीं देखे तो जाके देख लीजिए और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ क्वेश्चन नंबर टू ऑफ एक्सरसाइज टू पॉइंट सिक्स से बहुत सिंपल क्वेश्चन है सबसे पहले ये क्लियर कर देती हूँ सिर्फ आपने अभी तक क्या सीखा है डेसिमल्स का मल्टीप्लीकेशन वही यहाँ पे करना है फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टैंगल सबसे पहले आप मुझे ये देख ये देख लो ध्यान से आप ये बता दो कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है सिंपल सी बात है लेंथ इन टू ब्रेथ ठीक है अगर आपने अभी तक ये चीज नहीं पढ़ी है हालांकि पढ़ी होगी याद नहीं है तो याद कर लो कि रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इन टू ब्रेथ ये रेक्टेंगल है ये इसकी लेंथ है और ये इसकी ब्रेथ ब्रेथ फॉर्मूला होता है अब आपको लेंथ कितनी गिवन है 5.7 सेंटीमीटर और ब्रेथ कितनी गिवन है थ्री सेंटीमीटर सिंपल सा क्वेश्चन है आपको लेंथ भी दी हुई है ब्रेथ भी दी हुई है आपको एरिया निकालना है फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टूथ इन टू ब्रेथ तो चलो आप निकाल लेते हैं फाइव पॉइंट सेवन ब्रेथ लिख लो थ्री मल्टीप्लाई कर लेते हैं मल्टीप्लीकेशन डेसिमल की आती होगी नहीं तो मेन क्वेश्चन वही है अभी बता देती हूँ कभी भी डेसिमल का मल्टीप्लीकेशन करना हो तो so, डेसिमल को आप पहले भूल जाओ कि डेसिमल भी है सिंपल आप ये सोच लो 57 3 को मल्टीप्लाई करना है 3 7 21 3 5 15 16 17 आपका आंसर आया है 771 अब आता है डेसिमल का रोल डेसिमल देखो ध्यान से डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है इस डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है सिर्फ एक डिजिट है एक डिजिट है तो आपको आंसर में डेसिमल कैसे लगाना है लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड से यानी कि पीछे की तरफ से डिजिट काउंट करनी है एक डिजिट एक के बाद डिजिट के बाद एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा दो अगर यहाँ पे डेसिमल के बाद एक डिजिट आती है तो आंसर में पीछे से शुरुआत करो एक ही डिजिट से पहले आप डेसिमल लगा दो मान लो कि डेसिमल के बाद दो डिजिट होती तो हम पीछे से काउंट करते वन टू और दो डिजिट से पहले हम डेसिमल लगा देते बहुत सिंपल है सिर्फ यही करना है डेसिमल को स्टार्टिंग में भूल जाओ सिंपल मल्टीप्लीकेशन करो और उसके बाद क्या करना है काउंट करो कि डेसिमल के बाद कितनी डिजिट हैं उतनी ही डिजिट आप पीछे से काउंट करके वहाँ पे एक डेसिमल लगा दो बहुत सी सिंपल सी चीज़ है तो आपका आंसर क्या आया 17.1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल बहुत सिंपल था वैसे आपने इससे पहले वाली एक वीडियो अगर देखी है तो आपको मल्टीप्लीकेशन तो बहुत ईजी लगेगी ठीक है सो दैट्स इट फॉर टूडेज वीडियो आई नो ये बहुत छोटी वीडियो है लेकिन हम एक एक क्वेश्चन करते चल रहे हैं अब अब आप, आप जो वीडियोस बनेंगे उसमें एक एक क्वेश्चंस होंगे हर एक वीडियो में एक्सेप्ट एक्स्ट्रा क्वेश्चंस वाली वीडियो में एक्सरसाइज के एक क्वेश्चन ताकि आपको इजीली मिल जाए क्वेश्चन नहीं तो अगर एक ही वीडियो में मैं ज्यादा क्वेश्चन डाल देती थी तो आपको बहुत प्रॉब्लम होती थी उनको ढूंढने में सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल थैंक यू